बहुत लोग टीवीएस रॉनी लेने का सोच रहे थे, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने बहुत ही तगड़ा तहलका मचा दिया। जी हाँ, आप सभी ने बहुत लोगों ने टीवीएस रॉनी को लेने का प्लान किया होगा, बहुत लोग टीवीएस रॉनी लेने का सोच भी रहे होंगे, लेकिन रॉयल एनफील्ड की जो ये ऑल न्यू हंटर 350 लॉन्च है, किसी को उम्मीद नहीं थी। पर्सनली मुझे भी उम्मीद नहीं थी, मुझे भी जो एक्सपेक्टेड प्राइसिंग की उम्मीद थी लगभग 170,000-180,000 थी, लेकिन रॉयल एनफील्ड ने पूरा मार्केट ही हिला के रख दिया। जी हाँ, रॉयल एनफील्ड ने अपनी हंटर 350 को 149,000 एक्सशोरूम में लॉन्च कर दिया, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट। अगर बात करेंगे जो प्राइसिंग मेन रोल हर जगह प्ले करती है, अगर आपने कभी भी गाड़ी ले जाते हैं तो प्राइसिंग कहीं ना कहीं मैटर करता है कि गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है या नहीं है। तो प्राइसिंग कंपनी ने बहुत ही बेहतर सेट की है। अगर उस 149,000 बात करेंगे तो उसमें रॉयल एनफील्ड की ज़्यादा वैल्यू रहती है, क्योंकि रॉयल एनफील्ड ऑलरेडी उस सेगमेंट में उतरा हुआ है और रॉयल एनफील्ड की ओवरऑल जो रिस्पॉन्स उस सेगमेंट में वो बहुत ही बेहतर है, उसने इंडियन मार्केट पकड़े हुए हैं। तो आज आपको वीडियो में एक डिटेल्ड कंपेरिजन देने जा रहे हैं कि टीवीएस रॉनी आपकी बेहतर है या आपकी हंटर बेहतर है, दोनों में से कौन आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहने वाली है, कौन सी बाइक किधर आगे निकल जाती है, पूरी इन्फॉर्मेशन आज आपको हम इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। जहां की अगर आपकी हंटर की बात करेंगे तो हंटर आपको 350cc का BSS कंप्लायंट इंजन लेके आती है। जहां की अगर बात करेंगे तो आपको ऑलरेडी वो इंजन कंपनी क्लासिक 350 में, उसके अलावा आपकी मेटोर में शेयर करती है। वहीं पर रॉनिन का ये ऑल न्यू प्लेटफॉर्म है, जो ये कंपनी ने एक ऑल न्यू कैफे जैसा बाइक लॉन्च कर दी अपने सेगमेंट में, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। टीवीएस रॉनिन का बहुत ही बेहतर अभी तक कंपनी को रिस्पॉन्स मिलते हुआ आया है, लेकिन अभी देखते हैं ओवरऑल क्या मार्केट रिस्पॉन्स इनका रहता है। तो आपको अगर बात करेंगे दोनों ही गाड़ियों के स्टार्टिंग प्राइस के बारे में, तो 149,000 एक्स शोरूम दोनों ही गाड़ियों की प्राइसिंग स्टार्ट होती है। दोनों गाड़ियों की अगर बात कर लेंगे तो प्राइसिंग ओवरऑल लगभग सेम रहती है, प्राइसिंग में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है। तो हम इस वीडियो में दोनों की टॉप एंड वेरियंट को कंपेयर करने वाले हैं कि दोनों की टॉप एंड वेरियंट में कौन आपके लिए ज़्यादा बेहतर निकल के आती है। चलिए दोनों की टॉप एंड वेरियंट की ऑनरोड प्राइसिंग के बारे में बात करें, 2,00,000 से 2,05,000 के बीच में दोनों ही की टॉप एंड वेरियंट आपको ऑनरोड कॉस्टिंग करने वाली है, चाहे आप हंटर 350 की बात कर लें, चाहे आप बात कर लें अपनी टीवीएस की रॉनिन की। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी बेटर लग रही है। दोनों ही गाड़ियों में अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं, एक साइड आपको 225cc का इंजन देखने को मिलता है और एक साइड आपको 350cc का इंजन देखने को मिलता है, जो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंस निकल के आता है। जी हाँ, आपको रॉयल एनफील्ड की हंटर 350cc सेगमेंट में आती जाती है, जहाँ की आपको 350cc का इंजन ऑफर करती है। वहीं पर अगर आप बात करेंगे अपनी टीवीएस रॉनिन के बारे में, तो आपकी टीवीएस रॉनिन जो आती है वो 225cc का इंजन लेके आती है। 225cc के इंजन में आपको लगभग वो भी 20 PS के आसपास का पावर प्रोड्यूस कर देती है और 19 पॉइंट समथिंग का आपको ओवरऑल टॉर्क निकल के आता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करेंगे आप सभी की ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड की हंटर के बारे में, तो जी हाँ, 20.2 PS की पावर आपको इसमें मिल जाती है और 27 Nm का टॉर्क इसमें मिल जाता है। तो गाड़ी बता दें आपको पावर वाइज ज़्यादा बेटर निकल के आती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बिल्कुल निकल के आता है। उसके साथ ही दोनों ही गाड़ी को ओवरऑल लुक देखेंगे तो लुक वाइज किसी को बहुत ज़्यादा बेटर लग सकती है टीवीएस रॉनिन, किसी को टीवीएस रॉनिन खराब लग सकती है, किसी को हंटर बेहतर लग सकती है, किसी को हंटर खराब लग सकती है। तो मैं लुक वाइज किसी को भी एक को नहीं प्लस पॉइंट लेके जाऊंगा, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूँ आपकी जो टीवीएस रॉनिन है उसमें जो LED DRL देखने को मिलता है कहीं ना कहीं बहुत ही बेटर लगता है। आपको कैसा लगता है LED DRL, आप लोग कमेंट में हमसे जरूर शेयर कर सकते हैं। पर्सनली अगर बात करेंगे तो आपको मैं बता दूँ आपकी जो टीवीएस रॉनिन है आपको फुली LED सेटअप कंपनी ऑफर करती है। उसके जो फ्रंट की उसको सस्पेंशन देखने को मिलता है, उस पर आपको गोल्ड कलर की USD फोक्स अपसाइड डाउन फोक्स देखने को मिल जाता है, जो ये बहुत अच्छी बात रहती है। वहीं पर अगर बात करेंगे अपनी हंटर के बारे में, तो हंटर का जो सस्पेंशन सेटअप है वो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स देखने को मिल जाते हैं, बस आपको वहाँ पे कवरिंग कंपनी ने प्रोवाइड की हुई है। उसके साथ ही आपको वहाँ पे अगर बात करेंगे LED सेटअप के बारे में, तो LED सेटअप कंपनी एज एक्सेसरीज आपको ऑफर कर रही है। आप चाहें तो 5,000 रुपये लगा के एज एक्सेसरीज वो सारी चीज़ें आप अपग्रेड करवा सकते हैं अपनी हंटर 350 में। उसके आगे बढ़ेंगे और बात कर लेंगे तो मैं आपको बता दूँ दोनों ही गाड़ियों की माइलेज की बात कर लेते हैं, माइलेज कैसा निकल के आएगा। तो आपकी टीवीएस रॉनिन लगभग 40 के आसपास का माइलेज निकाल के दे पाएगी, वहीं पर आपकी रॉयल एनफील्ड जो कि हंटर जो है वो आपको लगभग 32 से 35 के आसपास का माइलेज मिलेगा। तो माइलेज वाइज अगर आपको जानना है, आपके लिए माइलेज एक बड़ा मैटर रोल प्ले करता है, तो जी हाँ टीवीएस रॉनिन आपके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन निकल के आती है। उसके साथ अगर बात करें सीट, दोनों ही गाड़ियों को टोटल आपको जॉइंट आता है, तो सीट वाइज ऐसे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। टीवीएस की रॉनिन में आपको 795mm की सीट हाइट मिल जाती है और आपकी जो रॉयल एनफील्ड की हंटर है वहाँ पर आपको 87mm की सीट हाइट मिलती है। रॉनिन की अगर बात कर लेंगे तो रॉनिन में आपको लगभग 180mm के आसपास ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। वही भी आपकी जो टीवीएस की बहुत अच्छी बात लगी मुझे कि जो उन्होंने ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी में ऑफर किया बहुत ही बेहतरीन किया। वहीं पे आपकी जो रॉयल एनफील्ड की हंटर है, हंटर में आपको कंपनी 151mm की ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है, कहीं ना कहीं ग्राउंड क्लियरेंस वाइज गाड़ी मार खा जाती है अगर आप इसे डायरेक्टली कंपेयर कर लेंगे आप सभी की टीवीएस की रॉनिन से। उसके बाद अगर बात करें दोनों ही गाड़ी के बारे में, तो आपको बता दें जो सस्पेंशन सेटअप है वो ज़्यादा बेटर निकल के आता है आप सभी की रॉयल एनफील्ड में। जी हाँ, टीवीएस की रॉनिन जो है वहाँ पर वो बैक में जो सस्पेंशन सेटअप कंपनी प्रोवाइड करती है वो मोनोशॉक करती है, मतलब सिंगल सस्पेंशन सेटअप है। और वहीं पर अगर बात कर लेंगे हंटर के बारे में, तो हंटर में डुअल हाइड्रोलिक सस्पेंशन सेटअप का आपको ऑप्शन नहीं मिल जाता है, जो कि कहीं ना कहीं आपको बेटर कंफर्टेबल राइड निकाल के देने वाला, बेहतरीन आपको कंफर्टेबल राइड बिल्कुल देने को मिल जाएगी। उसके साथ ही कंपनी ने बहुत सारी कलर कॉम्बिनेशन आपके लिए ला दिए हंटर में, जो कि आपको टीवीएस रॉनिन में नहीं मिलता है। टीवीएस रॉनिन में आपको 4 से 5 कलर कॉम्बिनेशन कंपनी ऑफर करती है,
लेकिन अगर बात कर लेंगे तो मैं आपको बता दूं, आपको डिफॉल्ट जो आपकी रॉयल एनफील्ड की हंटर है उसमें 6 से 7 कलर आपको डिफॉल्ट देखने को मिलते हैं, उसके बाद 3 से 4 कलर का उन्होंने कस्टमाइज करने का ऑप्शन दिया है, तो आप अपने हिसाब से उसे कस्टमाइज करा सकते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और रॉयल एनफील्ड के ऑथराइज सर्विस सेंटर पर वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी, जो कि मुझे एक बहुत अच्छी बात लगी। तो आपको अगर अपने हिसाब से लुक कुछ करवाना हो, गाड़ी में कुछ कलर कॉम्बिनेशन चाहते हो, तो वो आपको टीवीएस की रॉयल एनफील्ड नहीं मिलेगा, वो आपकी रॉयल एनफील्ड हंटर में मिल जाएगा। उसके साथ आगे बढ़ेंगे, टॉप स्पीड के बारे में बात करेंगे, दोनों ही गाड़ी कितनी टॉप स्पीड निकाल के दे सकती है, तो 140 के आसपास दोनों ही गाड़ी आपको टॉप स्पीड निकाल के दे पाएंगी, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छी बात रहने वाली है। आते हैं मेन पॉइंट जो गाड़ी की निकल गया है, ब्रेकिंग। ब्रेकिंग कैसी दोनों गाड़ी में मिलती है, तो दोनों ही गाड़ियों को फ्रंट में 300 की डिस्टेंस में मिल जाती है, डुअल चलने पर सपोर्ट दोनों ही गाड़ियों में आपको कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो बैक की डिस्क साइज है वो 270 की देखने में मिल जाती है आप सभी की हंटर 350 में, वहीं पर आपको रॉनी में 230 की देखने में मिलती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हंटर आपकी बाजी मार जाती है, जो हंटर का बैक का डिस्क साइज है वो थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा बेटर ब्रेकिंग बिल्कुल आके निकल सकती है, और थोड़ा आपको अच्छा बिल्कुल फील होने वाला है, तो ऐसा कुछ ओवरऑल रहता है। बाकी दोनों गाड़ियों अगर वेट के बारे में बात कर लेंगे, तो एक साइड अगर हम वेट की बात कर लें तो आपकी टीवीएस की रॉनी अच्छी खासी हल्की देखने में मिल जाती है, लगभग 20 से 30 किलो के आसपास हल्की है, वहीं पर आपकी जो ओवरऑल आपकी हंटर है वो लगभग 181 kg की पड़ जाती है। उसके बाद आपको हमने सीट हाइट बता दी दोनों ही गाड़ियों का। अब आते हैं हम बात करें टायर साइज के बारे में, दोनों ही गाड़ियों को 17 इंचेस वाले कंपनी अलॉय व्हील्स ऑफर करती है, थोड़ा सा जो ओवरऑल टायर की जो ब्रेथ है वो आपको ज़्यादा बेटर देखने मिल जाती है हंटर में, तो ये थोड़ा देख सकते, तो थोड़ी जो मोटाई है वो आपको ज़्यादा बेटर मिल जाती है। बाकी अगर बात करें ओवरऑल कंक्लूजन के बारे में, तो मैं आपको बता दूँ अगर मीटर कंसोल इन दोनों ही गाड़ियों का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएशन मिल जाता है आपको। अगर मीटर कंसोल की बात करेंगे, टीवीएस रॉनी का मीटर कंसोल ज़्यादा फीचरिस्टिक है, ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाला मीटर कंसोल है, वहीं पे रॉयल एनफील्ड कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। रॉयल एनफील्ड में आपको एज एक्सेसरीज आपको नेविगेशन वाला वो चीज़ अपग्रेड कराना पड़ेगा, लेकिन कंपनी में अगर टीवीएस की बात करें, टीवीएस आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें प्रोवाइड किया हुआ है। ड्राइविंग मोड देती है अर्बन और रेड, तो आप चाहे तो अर्बन में राइड कर सकते हैं, आप चाहे तो रेन मोड में राइड कर सकते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छी बात लगी कंपनी ने आपको ऑप्शन पेश किए हुए। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लिए कौन सी बेटर रहती है। देखिए अगर मैं बताऊँ, अगर आपको फीचर्स चाहिए, आप चाहते हैं कि हमको फीचर्स चाहिए, हमको एलईडी पूरा सेटअप चाहिए और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करवाना है, तो बिल्कुल टीवीएस रॉनी से जा सकते हैं। टीवीएस रॉनी में वो छोटा इंजन देखने को मिलता है, थोड़ा ओवरऑल अगर बात करें दोनों ही गाड़ियाँ लाइट वेट है, लेकिन आपकी जो टीवीएस की रॉनी में ज़्यादा लाइट वेट है, ज़्यादा ग्राउंड क्लियर से कोई टीवीएस की रॉनी में देखने को मिल जाता है। उसके साथ ही साथ टीवीएस की रॉनी में फुली एलईडी सेटअप कंपनी बाई डिफॉल्ट प्रोवाइड करती है, एलईडी डीआरएल देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी देखने को मिल जाती है। तो फीचर्स वाइज बहुत ही भरपूर गाड़ी है, ज़्यादा माइलेज मिलेगा, प्राइसिंग में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। उसके आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगर आपको हंटर पसंद कर रहे हैं, तो हंटर अगर आपको बहुत ही बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी चाहिए, जी हाँ, रॉयल एनफील्ड की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही शानदार होती है, जो लोहा है उसमें बहुतों का बहुत ही शानदार भरोसा है। एक पावरफुल इंजन चाहिए, चाहते हैं आप ट्यूरिंग सेगमेंट में उसे यूज़ करना, आप दूर दूर ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके लिए एक बेटर ऑप्शन निकल के आती है। उसके अलावा कंपनी आपको वहाँ पर स्पोक व्हील्स की भी ऑफर करती है, अगर आपको स्पोक व्हील वाली वेरियंट लेनी हो तो आप रॉयल एनफील्ड की स्पोक व्हील ले सकते हैं, लेकिन आपको अगर बात कर लेंगे तो टीवीएस रॉनी में ऐसा कुछ नहीं मिलता, ज़्यादा रिम वाला आपको टायर देखो मिल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, तो आपको बता दूं जो सस्पेंशन सेटअप वो ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाता है आप सभी की जो ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर है, तो हंटर का जो सस्पेंशन सेटअप वो ज़्यादा कंफर्टेबल है, आपको डे टू डे लाइफ में राइड करने के लिए बेहतरीन ऑप्शन निकल जाता है। उसके लिए वैल्यू फॉर मनी गाड़ी ज़्यादा आपके लिए पड़ जाती है, अगर आपको बाद में रीसेल करना हुआ तो रॉयल एनफील्ड का पहले से मार्केट रिस्पॉन्स बहुत ही बेहतर बना हुआ है। उसके साथ अगर बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं क्यों आपके लिए और बेटर रहने वाली है आप सभी की ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड, उसमें जो आपको पिकअप रिस्पांस मिलेगा, जो थ्रॉटल रिस्पांस मिलेगा, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाएगा आप सभी की ऑल न्यू टीवीएस की रॉनी से। ब्रेकिंग वाइज थोड़ा ज़्यादा इंप्रूवमेंट कंपनी ने किया हुआ है, ब्रेकिंग भी आपको ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल जाएगी आप सभी की ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर में। तो ये कुछ ओवरऑल पॉइंट्स रहते हैं, अगर आपके लिए पॉइंट्स मैटर करते हैं, मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बता दिए जिसके लिए आप टीवीएस रॉनी को 2022 में बाइक कर सकते हैं, और मैंने आपको 4 से 5 पॉइंट बता दिए जिसके लिए आपको हंटर 350 को बाइक कर सकते हैं। तो आपके लिए डिपेंड करता है आपके लिए किधर पॉइंट्स मैटर करते हैं, जिधर आपके लिए पॉइंट्स मैटर करें वो बाइक आप लोग बिल्कुल लेके जा सकते हैं अपने घर। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को डिटेल कंपैरिजन अच्छा लगेगा, तो आप लोग लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोग हमारे चैनल पहले विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, नीचे जो आपको लाल कलर बटन दिख रहा है कैसे भी ठोक दें हमारा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर अगर पहले विजिट कर रहे हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अधिक से लोगों को शेयर करिएगा ताकि सबको इन्फॉर्मेशन मिल सके आप सभी की ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड हंटर 350 BS 6 2 मॉडल के बारे में। थैंक यू।